पिछले कुछ दिनों पहले आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग के काउंटर पर बैठे कर्मचारियों की कुछ वकीलों से बहस हो गई थी, जिसके बाद वकील वहां से चले गए। लेकिन इसी बीच बिजली विभाग के एई रणजीत सिंह भदौरिया की परेशान लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। मामले को लेकर एई भदौरिया ने वकीलों पर केस दर्ज करवा दिया। इसी विरोध के चलते दो वकीलों पर कार्यवाही की गई और वहीं अभी तीन अन्य वकीलों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं अभी भी सभी कर्मचारियों की मांग है कि अन्य तीन और वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, नहीं तो पूरे जिले में हड़ताल जैसी स्थिति बनी रहेगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, क्या आपके पोस्ट है? जिला संयोजक हूँ मैं। अच्छा, मध्य प्रदेश पावर पावर इंजीनियर एसोसिएशन। आज जो आप धरना प्रदर्शन किए हो, क्या किस विषय को लेकर आप धरना? 11 तारीख को लोक अदालत के दिन श्री रंजीत सिंह भदौरिया सहायक यंत्री की मारपीट कर रहे। तो किस विषय को लेकर आप अभी तक डटे हुए हो? नहीं, अभी तक नहीं, सिर्फ हमारा आज ही चालू हुआ है। अभी तक हमने ज्ञापन वगैरह दे के मांग करते रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों के विरुद्ध, तब हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। किस प्रकार की मांग आप कर रहे हैं? हमारी मांग ये, जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अच्छा, ये जो जैसे आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हो, तो इसमें जो उपभोक्ता हैं तो उनको क्या कुछ समस्याएं आना पड़ेंगी? व्यक्तिगत समस्याएं जिनकी हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। और बाकी किन समस्याओं को आप बंद कर दोगे या किस प्रकार? बंद कुछ भी नहीं रहेगा, जो बंद है हो जाएगा, उसे चालू नहीं करेंगे, जो चालू है वो चालू रहेगा, सिवाय इमरजेंसी सेवा को छोड़। आपने कुछ समय सीमा तो दी होगी कि हमारा इतने दिन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसी प्रकार की हड़ताल? हमने 24 घंटे का पहले अल्टीमेटम दे दिया था और उसके पहले हम 3 दिन का नोटिस दे चुके थे वहाँ भोपाल में। तो क्या कुछ निर्णय निकला उसका? अभी तक सिर्फ मात्र 2 लोगों को नामजद कर पाई है पुलिस और बकाया 3 लोग अभी और भी बचे हुए। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी आप लोगों को धरना प्रदर्शन क्यों हुए? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी और बताया है। तो उन पुलिस का कहना है कि वो जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, फिर भी आपका धरना प्रदर्शन? जब तक गिरफ्तार होकर चालान पुटअप नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और अगली कड़ी में, जो कि कल से हमारा अगला चरण चालू हो रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी इसी तरह से कल से हड़ताल चालू हो जाएगी। इसके बाद भी आपकी अगर सर सुनवाई नहीं होती, इसके बाद क्या? फिर एमपी लेवल पे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।